मुझे दिखाई देता है फ्यूचर। भविष्य में उनके पास भी पावर्स होंगी, मैं पहले ही उन्हें ढूंढ कर मार डालूंगा। अगर जिंदा रहना है तो मुझ पर भरोसा करना होगा। हेलो दोस्तों, मूवीज की दुनिया में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की 10 कमाल की मूवीज के बारे में। और यकीन मानो दोस्तों, ये सभी मूवीज बहुत ही कमाल की होने वाली हैं, जो अभी अभी यूट्यूब पर अपलोड हुई हैं। और इन मूवीज को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, और इसीलिए इन मूवीज के डिलीट होने से पहले आप इन्हें देख लेना, नहीं तो आप इन्हें डाउनलोड करके रख लेना, ताकि आप इसे बाद में भी देख सको। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2011 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी से जिसका नाम है द हिट लिस्ट, जिसमें आपको कहानी देखने को मिलती है एलन नाम के एक आदमी की, जो बहुत परेशान होता है और एक दिन एक बार में ड्रिंक पी रहा होता है और नशे की हालत में कुछ लोगों को मारने की लिस्ट बनाता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लिस्ट में जिनका नाम होता है उनको कोई मारने लगता है, और इन सभी मर्डर का इल्जाम एलन पर आता है, क्योंकि उसने ही इन सभी को मारने की लिस्ट बनाई थी, पर असल में उसने इन सभी को नहीं मारा था। तब ऐसे में एलन अपने आप को कैसे बचाता है और असली क्रिमिनल कौन है, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.4 की रेटिंग मिली है। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर आती है 2024 में आई स्पेसमैन। इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिलती है एक साइंटिस्ट की, जिसे एक स्पेस मिशन पर भेजा जाता है, और इस मिशन पर वो अकेला ही होता है, जिस वजह से वो परेशान रहने लगता है और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे एक क्रीचर मिलता है, और इसके बाद उसके साथ जो कुछ भी होता है वो आपको इस मूवी में देखना चाहिए। इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.8 की रेटिंग दी गई है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलूं। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आती है 2016 में आई द शैलोज, जिसमें आपको कहानी देखने को मिलती है नैन्सी नाम की एक लड़की की, जिसकी मदर की हाल ही में डेथ हो जाती है और इसी वजह से वो परेशान रहती थी, और इस वजह से वो एक बीच पा घूमने के लिए जाती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस पर एक शार्क अटैक कर देती है, तब ऐसे में वो अपने आप को कैसे बचाती है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.3 की रेटिंग मिली है। अब हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आती है 2017 में आई द प्रिजन। इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिलती है एक एक्स डिटेक्टिव की, जिसे एक हिट एंड रन केस में जेल हो जाती है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे जेल में एक खतरनाक गैंग मिलती है, जो जेल के अंदर से ही बहुत से क्राइम को अंजाम दे रहे थे। तब ऐसे में ये डिटेक्टिव क्या करता है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी को IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग दी गई है। अब हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आती है 2023 में आई फास्ट एक्स। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की इस मूवी को नहीं देखा, तो अब ये मूवी यूट्यूब पर आ चुकी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिस पर क्लिक करके आप इस मूवी को देख सकते हो। इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.8 की रेटिंग दी गई है। अब हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आती है 2017 में आई वंडर वुमन। इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिलती है प्रिंसेस डायना की, जो एक अमेजोनियन वॉरियर होती है और इस दुनिया को विनाश से बचाने का फैसला करती है, लेकिन वो ये सब कैसे करती है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी को IMDb की तरफ से 7.3 की रेटिंग मिली है। अब हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आती है एक कमाल की सीरीज स्ट्रेंजर्स थिंग्स, जिसके सीजन 4 का लास्ट एपिसोड भी अब यूट्यूब पर आ चुका है, और इसी के साथ ये सीरीज अब कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर आपने इसके पहले के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, तो आप इससे पहले की वीडियोस को देख सकते हो। और साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी और मूवी और सीरीज की देखना चाहते हो तो कॉमेंट में जरूर बताना। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।